प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को एनजीटी ने लगाई कड़ी फटकार। न्यायालय ने पूछा कब तक बनेगी रिंग रोड और सर्विस रोड। जिलाधिकारी मथुरा की तारीख पर ना मौजूदगी से न्यायालय नाराज। अगली तारीख पर जिलाधिकारी को किया तलब। राजस्थान सरकार को तत्काल प्रभाव से कच्ची परिक्रमा में से सीमेंटेड टाइल हटाने के दिए निर्देश। गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान द्वारा दाखिल याचिका पर आज एनजीटी में सुनवाई के दौरान सबसे पहले न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मौजूद अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा कि क्या जिलाधिकारी मथुरा न्यायालय में मौजूद हैं, जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि कुछ निजी कारणों की वजह से जिलाधिकारी आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके हैं, जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनको न्यायालय को पहले से अवगत कराना चाहिए था। न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता को निर्देशित किया कि जिलाधिकारी मथुरा अगली तारीख पर उपस्थित रहें। याचिकाकर्ता आनंद गोपाल दास व सत्य प्रकाश मंगल की ओर से मौजूद अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने न्यायालय को परिक्रमा मार्ग में व्याप्त अव्यवस्थाओं से अवगत कराया, जिसमें कि पार्किंग की व्यवस्था, सर्विस रोड, रिंग रोड मुख्य बिंदु थे, जिस पर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर मौजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव समीर वर्मा से पूछा कि अब तक इन सभी कार्यों पर क्या प्रगति है, जिस पर सचिव समीर वर्मा की तरफ से उचित जवाब न देने पर न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायालय में आने से पहले फाइल को अच्छे से पढ़कर आया करें तथा अगली तारीख पर आकर यह अवगत कराएं कि कब तक सर्विस रोड, रिंग रोड जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो जाएंगे। न्यायालय ने कड़ी हिदायत के साथ सचिव समीर वर्मा को निर्देशित किया कि सरकार गोवर्धन में होने वाले जरूरी कार्यों पर पहले ध्यान दे और उन्हें जल्दी पूरा करे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने न्यायालय को ध्यान राजस्थान की तरफ कच्ची परिक्रमा में सीमेंटेड टाइल की तरफ भी आकर्षित किया, जिस पर न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से राजस्थान सरकार को उन टाइलों को हटाने के निर्देश दिए और राजस्थान सरकार को सौंदर्यकरण के नाम पर फिजूल खर्ची से रोकथाम के लिए कहा है। एसओ गोवर्धन से न्यायाधीश जस्टिस रघुवेंद्र सिंह राठौर व सत्यवान सिंह ग्रबियाल ने पूछा कि पिछले माह की 26 व 27 तारीख को हुई घटना के संबंध में जो आपने जवाब दाखिल किया है उसको आपने अच्छे से समझ लिया है या इसके अलावा भी आप कुछ और कहना चाहते हैं, जिस पर न्यायालय में मौजूद एसओ गोवर्धन लोकेश भाटी ने न्यायालय से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह अपनी प्रत्याशित व अप्रत्याशित गलतियों के लिए न्यायालय से माफ़ी मांगते हैं। एनजीटी ने न्यायालय में मौजूद सभी अधिकारियों को संज्ञान लिया, जिसमें पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर दीपक सिंगल, उप जिलाधिकारी गोवर्धन, सीओ गोवर्धन, एसएचओ गोवर्धन, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज एनजीटी में आज की तारीख थी गोवर्धन के मामले में, आज क्या क्या वहाँ सुनवाई हुई है और क्या क्या आपने अपने तरफ से पक्ष रखे हैं? देखिए, तीन आदेश थे पिछले जो ऑर्डर था उसमें, कि एक तो हमें शो कॉज नोटिस जो डीएम साहब और एसएचओ को इशू किया था उसका रिप्लाई फाइल करना था, वो हमने कर दिया, इस पर नेक्स्ट डेट में सुनवाई होगी। दूसरा, समीर वर्मा जी हैं जो सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, उनको बुलाया गया था तो उन्होंने भी अपनी बात रखी, जिस पर जज साहब ने कहा कि आप इसको और बैठ के अपने ऑफिसर्स के साथ पूरा एग्जामिन कर लें, उसके बाद हर चीज़ को किस टाइमलाइन में करना है इसके बारे में उन्होंने निर्देशित किया है। 25 तारीख नेक्स्ट डेट है, उसमें वो आएंगे। और तीसरा, एक कमेटी की रिपोर्ट आनी है, उसके लिए हमें 3 दिन का समय दिया गया है। सर, कोर्ट को शायद नाराज देखी पीडब्ल्यूडी चीफ सेक्रेटरी साहब पर? नहीं, ठीक है, कोर्ट का अधिकार है किसी बात को रखना या किसी बात को कहना, शायद हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा, एक साफ सफाई के मामले में लेकर के उज्ज्वल ब्रजवालों की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उस पर भी कोर्ट ने कुछ संज्ञान लिया, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया, ऐसा कोई संज्ञान नहीं है उज्ज्वल सर। आज एनजीटी में गोवर्धन के मामले को लेकर के सुनवाई थी, आज क्या क्या हुआ कोर्ट के अंदर, जरा आप बताएं। देखिए, आज गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान के मामले में सुनवाई हुई है, जिसमें आज पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव समीर वर्मा यहाँ उपस्थित थे। उनसे पूछा गया कि आप रिंग रोड का, सर्विस रोड का और जो हाईवे जो बनना है उसका काम कब तक कंप्लीट कर लेंगे, जिस पर कुछ चीज़ों पर वो जवाब नहीं दे पाए, कुछ पॉइंट्स पर वो उनका क्लियर जो पॉइंट्स थे वो क्लियर नहीं कर पाए कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने उनको थोड़ा डांटा और कोर्ट ने कहा कि आप एक काम करिए, आप जो है इसको पढ़ के नहीं आए हैं अच्छे से, आप इसको अगली बार पढ़ के आइए और पढ़ने के बाद में आप हमें आके बताइए कि कितना समय लगेगा और कितनी जल्दी काम कर लेंगे। इसके बाद में न्यायालय ने, क्योंकि एसएचओ गोवर्धन और डीएम मथुरा से भी जवाब तलब किया हुआ था, तो जिलाधिकारी महोदय यहाँ आज मौजूद नहीं थे,
तो उनको जिला अधिकारी को अगली तारीख पे मौजूद रहने के लिए कहा गया है। SHO से पूछा गया कि क्या आपने जो लिखा है आप उसको समझ रहे हैं, आपने क्या लिखा है, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे जो भी अगर कुछ हुआ है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। SHO ने अपने कोर्ट के सामने ये बात कही तो न्यायालय ने कहा ठीक है, हम इस पर पॉइंट वाइज हम जो है अगली तारीख पर डिस्कस करेंगे, जिलाधिकारी महोदय जब मौजूद रहेंगे। उधर राजस्थान सरकार के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने ये बात कही कि जो टाइल लगाए गए हैं वो हमने जो भी टाइल्स जो लगे हैं कच्ची परिक्रमा में उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी अन्य मुद्दों पर आज बात हुई। सर देखा गया 15 तारीख को कोर्ट कमिश्नर साहब परिक्रमा मार्ग में थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट लाकर कोर्ट में पेश किया? उन्होंने ई रिक्शा और भंडारे को लेकर एक रिपोर्ट जो है वो दाखिल करी है। अभी रिपोर्ट जो है वो उसमें कुछ बिंदु अभी रह गए हैं तो वो पूरी रिपोर्ट अभी फाइल नहीं हुई है, उसके लिए न्यायालय ने 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। बाकी ई रिक्शा के बारे में जानकारी न्यायालय को उपलब्ध कराई थी कि कितने ई रिक्शा अभी चल रहे हैं वहाँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में, तो इसको लेकर कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बात कही है। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है तो रिपोर्ट जब तक फाइल नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अगली तारीख कब पड़ेगी सर? अगली तारीख जो है इसमें 25 सितंबर की है, जिसमें जिलाधिकारी मथुरा को तलब किया है, बाकी अन्य अधिकारी जो है उनको भी बुलाया है।